तो गाइज आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने डिवाइस रियलमी एक्स पे कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी जो भी कस्टमाइजेशन वाली चीज़ें हो सकती हैं वो भी कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में चाहिए बूटलोडर अनलॉक और रिकवरी इंस्टॉल आपके डिवाइस पे कोई भी हो। फिलहाल TWRP मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोग यही चलाना पसंद करते हैं, काफ़ी आसान भी है। तो सबसे पहले अगर आपको बूटलोडर अनलॉक करना है, TWRP कैसे इंस्टॉल करनी है, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसी में बताया कि आपको रिकवरी मोड में कैसे आना है, तो फाइनली आप वो सारा काम कर लोगे एक बार रिकवरी मोड में आ जाओगे। इसके बाद आपको अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना होगा। फॉर्मेट कहाँ से करना है, यहाँ आपको जाना है स्वाइप टू फैक्ट्री रीसेट, ये आपको एक बार परफॉर्म कर लेना है। इसके बाद आपको फॉर्मेट वाले सेक्शन पे जाना है, यहाँ आपको यस टाइप करना होगा और इसके बाद में आपको एंटर कर देना है, आपका डिवाइस फॉर्मेट हो जाएगा। और इसके बाद में अब यहाँ माउंट वाले सेक्शन में जाकर के ये डिसेबल MTP वाला बटन आपको दिख रहा होगा, एक बार डिसेबल करना है, देन इनेबल करना है और अपने PC के साथ में कनेक्ट कर लेना अगर आपके PC में फाइल्स हैं, और अपनी फाइल्स को आप अपने डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज में डायरेक्टली ला पाओगे। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टॉल करना कैसे है। तो सबसे पहले वाइप में जाना है, एडवांस वाइप में जाना है, यहाँ जा करके आप देख सकते हो डेलविक आर्ट कैश, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, कैश और इसके अलावा फिर सिस्टम वेंडर और डेटा। तो ये आपको 5 पार्टीशन सेलेक्ट कर लेने हैं, स्वाइप करके आपको इन्हें वाइप कर देना है ताकि आपका जो भी डेटा हो एग्जिस्टिंग वो सारा डिलीट हो जाए यहाँ से, मतलब रोम का डेटा आपके इंटरनल में जो भी आपने फाइल्स डाली हैं वो सब सेव रहेगा। इंटरनल को बस आपको ध्यान रखना है कि आप वाइप ना कर दें। और अभी चलना है वापस से बैक और यहाँ जाना है इंस्टॉलेशन पे, और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 5 फाइल्स डाली हुई हैं। तो 5 फाइल्स इस रोम में हमारे काम आने वाली हैं क्योंकि इसमें कुछ एरर्स थे जिनको फिक्स करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं फिक्स ऑडियो और ये कोरल 11 सितंबर करके आपको फाइल मिलती है। तो कुछ फाइल्स हमें मैजिस के थ्रू भी इंस्टॉल करनी है, तो मैजिस भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करनी है अपनी रोम की फाइल, तो यहाँ रोम को सिलेक्ट करके स्वाइप कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में, तब तक वेट कर लेते हैं और फिर बाकी की चीज़ें भी करेंगे। तो रोम हमारी फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, GApps को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 फाइल्स और यहीं पे मैंने निक GApps करके डाला हुआ है। तो सारी फाइल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोई और फाइल्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इस्तेमाल करें यही फाइल्स इस्तेमाल करना, कई बार एरर आ जाता है तो उससे आपको बचाने में थोड़ी सी हेल्प करेंगी। सिलेक्ट कर ले हैं GApps और यहाँ पे इनको कर देते हैं। तो GApps में मेरी बहुत ज़्यादा फाइल्स नहीं थी, काफ़ी कम समय में ये इंस्टॉल हो गया है और अब हमें अपने डिवाइस को रिबूट करना है सिस्टम में। मैं चाहूँ तो सारी फाइल्स एक ही बार में फ्लैश कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ जिस पोस्ट के थ्रू, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, यही तरीका लिखा हुआ है। तो सिस्टम को एक बार मैं रिबूट करूँगा। सिस्टम हमारा रिबूट हो चुका है और रोम भी चल चुकी है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो GApps मैंने इंस्टॉल किए थे वो भी आ चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐप्स भी नहीं मिलते हैं, सिर्फ काम चलाने लायक ऐप्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस रोम को लाइट बनाने वाला है। छोटा सा एक ओवरव्यू भी आपको दूंगा क्या कुछ चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं और कैसी इसकी हल्की सी परफॉर्मेंस है, लेकिन पहले एक चीज़ मैं देख लेना चाहता हूँ, जब रोम इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद में हमारी जो फाइल्स होती हैं वो सारी अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाती हैं, तो वो मैं देखने वाला था। तो अभी आप देख सकते हैं सारी फाइल्स यहाँ पे हैं, तो वापस से अपने फ़ोन को लेकर के चलते हैं रिकवरी मोड में और हमें बाकी की जो फाइल्स हैं वो भी फ्लैश करनी है अपने डिवाइस पे, तो देख लेते हैं वो भी कैसे फ्लैश करना है। वापस हम आ चुके हैं अपने TWRP रिकवरी में और अब हमें इंस्टॉल करना है मैजिस्क। तो यहाँ हम चलते हैं अपने इंटरनल स्टोरेज में और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं मैजिस्क डीबग 2 करके ये फाइल है, इसको सिंपली स्वाइप कर लेते हैं। मैजिस्क भी फ्लैश हो चुका है और अब चलते हैं बैक और अब हमें ये ऑडियो फिक्स वाली जो फाइल है ये हम कर लेते हैं क्योंकि इसमें हो सकता है ऑडियो का कोई इशू हो, तब ये फाइल हमें दी गई है, तो सिंपली इसको भी फ्लैश कर लेते हैं और ये फाइल भी हमारी फ्लैश हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, वाइप कैश एंड डेलविक स्वाइप करके कर देंगे और वापस से रिबूट करना है अपने सिस्टम में। और यहाँ आप स्टेटस देख सकते हो प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाइड होने का, मतलब दिस डिवाइस इज नॉट प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाइड, तो यहाँ आपको कोई भी सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, जो कि एक मेन प्रॉब्लम है इस रोम के साथ में। और इसको फिक्स करने के लिए हमें एक फाइल भी दी गई है, उस फाइल का इस्तेमाल करके हम इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं ये चीज़ ठीक से काम करती है या नहीं करती है। जो 5वीं फाइल मैंने आपको बताई थी वो, तो मैजिस्क इंस्टॉल हमने कर लिया है और मैजिस्क के बाद हमें वो फाइल यहाँ फ्लैश करनी होगी। तो यहाँ जाते हैं इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में और यहाँ जाकर ब्राउज कर लेते हैं अपनी वही फाइल।
तो यहाँ थोड़ा सा ढूंढेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं ये कोरल 11 सितंबर करके जो फाइल है ये हमें फ्लैश करनी है। तो यहाँ जाएंगे और ये फाइल जो है फ्लैश हो चुकी है। अब सिंपली हमें अपने डिवाइस को करना है रीबूट। तो मैं जिसके साथ में मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ उस फाइल को फ्लैश करने का, अब देखते हैं कुछ काम बना है या नहीं बना है। और एक चीज़ और करनी होती है वो भी एक बार कर लेते हैं, उसके बाद ही पूरा प्रोसेस ट्राई करेंगे। यहाँ चलते हैं सेटिंग्स में और यहाँ जा करके हाइड मैजिस्क इसको इनेबल कर लेते हैं ताकि हमारा डिवाइस डिटेक्ट ना करे कि ये रूट है। और अभी चलते हैं प्ले स्टोर के सेटिंग्स में और यहाँ जा करके ऐप का डेटा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। और ये नोटिफिकेशन तो खैर नहीं हट रहा है, वापस से चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। तो फाइनली मैंने वो फाइल फ्लैश कर ली है मैजिस्क के थ्रू और यहाँ मैंने अपनी डिवाइस को एक बार रीबूट दिया है। और अभी आप देख सकते हो मैं गूगल में साइन इन करने के लिए तैयार हूँ। तो एक बार साइन इन कर लेते हैं और देखते हैं कि सेटिंग्स के अंदर जो ऑप्शन में हमें दिखता था डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड वो भी हट चुका है या अभी भी आ रहा है। तो फाइनली मैंने अपने डिवाइस में लॉगिन कर लिया है अपने गूगल अकाउंट से और अभी आप यहाँ देख सकते हैं प्ले प्रोटेक्ट डिवाइस इज सर्टिफाइड। तो भाई फाइनली हमारा डिवाइस भी सर्टिफाइड हो चुका है और अब आप इस पे अपनी बैंकिंग ऐप्स वगैरह आपकी पेमेंट ऐप्स वगैरह जो पहले काम नहीं करती होंगी वो भी सब चला सकते हो, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मैजिस्क में भी थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा और इवन मैं खुद भी देखना चाहूँगा ये चेक सेफ्टी नेट, यहाँ पे इसका एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हो बेसिक इंटीग्रिटी हमारा वेरीफाइड है, CTS प्रोफाइल वो भी वेरीफाइड है और यहाँ पे सक्सेस का एक अच्छा सा ब्लू कलर का मैसेज हमें दिख रहा है। इसकी मदद से आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हो। नेटफ्लिक्स भी आप प्ले नहीं कर सकते थे, अभी आप नेटफ्लिक्स डाउनलोड भी कर सकते हो, प्ले भी कर सकते हो। तो गाइज इतना सब करने के बाद में हमारी रोम पूरी तरह से तैयार है, इंस्टॉलेशन भी पूरा हो गया है, CTS प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हमें उम्मीद है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी अपने इस रोम में। अब आता है ओवरव्यू पार्ट। तो एक बार मैं आपको इसका ड्रॉअर दिखा चुका हूँ, कितनी ऐप्स हमें मिलती हैं, बहुत कम ऐप्स मिलती हैं। साथ ही डॉल्बी एटमॉस का साउंड मिल जाता है जो कि एक अच्छी चीज़ रहने वाली है, आपको काफ़ी एनहेंस्ड साउंड भी इसके साथ में मिलने वाला है। साउंड को हमने फिक्स भी किया था तो उसकी उम्मीद काफ़ी अच्छा साउंड मिलेगा। और क्विक टॉगल्स एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्विक टॉगल्स आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 वाला जैसा पैनल हमें देखने को मिलता था वैसा ही पैनल मिलता है और ये कुछ एडिशनल आप चीज़ें देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डर एंड्रॉयड 11 में ऐड किया गया था वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डार्क थीम है जिसको कि आप शेड्यूल भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जा करके, और सेटिंग्स भी चलिए आपको एक बार दिखाई देता हूँ। सेटिंग्स आप देख सकते हैं किस तरह की है। फ़ोन के अबाउट सेक्शन में चलते हैं तो डिवाइस नेम देख सकते हैं आप रियलमी एक्स है। इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 11 हमें मिल जाता है। इसको दो तीन बार ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे ईस्टर एग नीचे आपको दिख जाएगा और इसके अलावा एंड्रॉयड 11 भी आपको दिख जाएगा। साथ ही कर्नल की बात करें तो ये डिफॉल्ट कर्नल है जो इसके साथ में मिलता है, अभी मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूँ, अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो आपको इन फ्यूचर बता दूंगा। सिक्योरिटी पैच की बात करें तो लेटेस्ट है 5 सितंबर का क्योंकि इस रोम के हिसाब से वही है, अभी अक्टूबर हालांकि चल गया है लेकिन अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच अभी हमें नहीं मिला है। और ये आप देख सकते हैं रियलमी सेटिंग्स का एक पूरा सेक्शन मिल जाता है जिसके अंदर काफी कुछ सेटिंग्स हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जानेंगे एक डिटेल रिव्यू में, क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं क्या कुछ बुरी हैं, उसमें जो भी इसके फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो भी इसके बग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में उम्मीद है आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको ये रोम जो है अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आने वाला वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को करना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। कोई सवाल या सुझाव है जो आप रिव्यू में आंसर चाहते हो मुझसे तो इस वीडियो के नीचे पूछ लेना, आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।